Yes, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. Unacademy पे आप सभी का वेलकम है और हमारा जो चैनल है आपका जो चैनल है लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपके लिए एक न्यूज़ है, तो आपका जो 66 बीपीएससी पीटी का जो पेपर एनालिसिस है, आप 27th पेपर एनालिसिस जो है आप इसको देख सकते हो। 27th, यस बिल्कुल, जो पेपर एनालिसिस है आप 27th का जो है, 27 दिसंबर 2020, तो इस डेट का जो भी आपका है आप देख सकते हो। 4 to 7 में जो है आपको ये दिखा, 4 to 7 में इसकी क्लासेस हुई है। पेपर एनालिसिस है, पेपर का लेवल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ये सब करवाया गया। और इसी के साथ ही 28 दिसंबर में आपको मेन्स के लिए किस तरह से प्रिपरेशन है, स्ट्रैटेजी आप रखेंगे, ये 10 AM से आपका जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है ये बताई गई है। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल सिलेक्शंस, रेफरेंस बुक्स, ये सारी चीजें जो है ये आपको बताई गई हैं, तो इनकी क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो आपका जो है कंप्लीट सिलेबस प्लस बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है विथ वीकली मॉक टेस्ट बिल्कुल, और प्री एंड मेंस यहाँ पे दोनों की प्रिपरेशन आपकी होगी। जो टॉप विशेषज्ञ है उनके द्वारा आपकी लाइव क्लासेस ली जाएगी, रिविजन की प्लानिंग बताई जाएगी, हिंदी लैंग्वेज में होगा, रिवीजन में पीडीएफ्स और नोट्स आपको मिलेंगे, और साप्ताहिक और मेगा क्विज जो है फॉर प्रैक्टिस जो है ये आपकी करवाई जाएंगी। देन यहाँ पे डेडिकेटेड मेंस का जो है आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ मेंस के लिए 2 months का बैच हो रहा है जो कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यस, तो 2 months का जो है आपका मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी से बिल्कुल। तो आप लोग, जिन लोगों का भी पेपर अच्छा गया है तो मेंस का बैच अगर आप करना चाहते हो तो मेंस का प्रिपरेशन, देखिए टाइम ज्यादा नहीं है, तो जनवरी से आपका मेंस का बैच हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल ले सकते हो। और आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी के प्री एंड मेंस दोनों को लेके, तो ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट आप ले सकते हो, इससे आपका मेंस प्लस पीटी जो है, नेक्स्ट पीटी आने वाला पीटी जो है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यस, विजय बैच जो है फाउंडेशन बैच बीपीएससी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लस क्लास लेने से आपके फायदे क्या क्या है, प्लस क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ्स एंड नोट्स मिलेंगे, और इसी के साथ ही जो आपके डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर होंगे टॉप एडुकेटर्स के थ्रू। सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है, आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो, तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा बीपीएससी एंड देन जाइएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे। बेनिफिट्स आपकी 60 एंड 90 डेज की आपकी क्रैश कोर्स चलेगी बीपीएससी की, 1 ईयर फाउंडेशन चल रहा है आपका बीपीएससी कोर्स पर, 25+ टॉप एडुकेटर्स आपके रहेंगे, एंड इसी के साथ ही 1000+ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, तो यस इन सब की रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। देन 20,000+ एमसीक्यूज होंगे प्रैक्टिस के लिए सारे सब्जेक्ट्स के, और 20+ फुल लेंथ टेस्ट भी होगा आपका बीपीएस का प्री एंड अदर वन डे एग्जाम्स, तो प्री के लिए और बाकी एग्जाम्स जो है बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको मिलेंगे। और एक्सक्लूसिव टाई अप विद IAS Academy, तो यहाँ पे अगर हम चले नेक्स्ट, अगर आप प्राइस जानना चाहते हो सब्सक्रिप्शन का, तो ये आपका प्राइस चार्ट है, तो ट्राई कीजिए 12 months और 24 months का जो है आप बिल्कुल ले। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो SHIPRA, तो ये कोड को यूज करने पे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अटेंड लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करना है, तो लाइव क्लासेस अगर अटेंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बैचेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आफ्टर सब्सक्रिप्शन, देन आप आफ्टर क्लास पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर सकते हो, वीकली क्विज अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यस, तो अभी जितना जल्दी हो सके आप लोग सब्सक्रिप्शन जो है ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, हमने अभी जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसी के उसी का जो है हम लोग प्रिपरेशन कर उसी का रिवीजन जो है वही हम देख रहे हैं, ठीक है। यस, तो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसी को लेके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, तो रेडिएशन यूज होता है मसल एक के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कौन सा रेडिएशन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं,
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स इज 1.403 किलो ओम. इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इज 2.0 किलो ओम देन द अदर रेजिस्टर विल बी. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर. नेक्स्ट आते हैं ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर जैसे हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. फराडे कांस्टेंट का बात करें तो फराडे कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन द इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व और इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर का अगर हम बात करें तो लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस का यूनिट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो इनमें से क्या है जो चेंज नहीं होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है. तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी पूछा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज. तो पहला इंसान जिसने मून पर फुट रखा था, पैर रखा था पहली बार, तो वो कौन थे, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. यस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर. इसी का हिंदी देख ले तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड हो जाएगा. दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है. तो यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.70. ठीक है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है. तो गर्म करने पर एक अर्ध प्रतिरोध का चालक जो है वो घटता है. फैराडे स्थिरांक, फैराडे कांस्टेंट जो है वो क्या है, तो वो सार्वभौमिक स्थिरांक है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आते प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है. तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या चीज जो है नहीं बदलती है. तो आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति. विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है. तो वेग होता है 3 × 10⁸. पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 143. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर 148 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे जस्ट 242 को आप 94 से माइनस कर दीजिए. 94 244 का डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज. तो हाइएस्ट विस्कोसिटी अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका हनी. जो चीजें जितनी मोटी होती है वही जो है आपका उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी देती है. ठीक है, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ. मिल्क क्या है, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, विटामिन सी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. ब्रीथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर. तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है फिल्टर पेपर पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल एल्कोहल. तो ग्लूकोज जो है इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है किससे. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाइमेस. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट आते हैं द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस
आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द एच प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीजेस 1000 times। ठीक है, डिक्रीजेस 1000 times, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हिंदी भी देख लेते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड की नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो होती है 148। ठीक है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसमें? तो आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी, शहद। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अनसल्फ्यूरिक अम्ल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जाइमेस। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थालीन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो सैंड और नेप्थालीन को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का अगर हम बात करें तो कितना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का अगर हम बात करें तो कितना होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, 12, 3। ठीक है, बेंजीन में 12 होता है आपका सिग्मा और पाई होता है 3। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका CHNO। ठीक है, CHNO, ये चारों प्रेजेंट होते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग, तो पुअरेस्ट कंडक्टर अगर हम बात करें हीट का वो क्या है, वो है आपका लीड। नेक्स्ट आता है द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विटामिन के। ठीक है, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, तो फीमेल सेक्स हार्मोन का बात करें तो वो क्या है, वो है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। द नोबल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वॉज गिवेन टू अरविंद कार्लसन, तो अरविंद कार्लसन जो है इनको मिला है। ठीक है, द माइल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। तो रेत और नेफ्थालीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आंसर होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है, CHNO। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं वो है विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अरविंद कार्लसन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटर इज पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, तो ये कौन सा है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज, तो जिंजर स्टेम है रूट नहीं, किस वजह से, बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, यस। द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग, अगर स्वीटेस्ट शुगर की बात करें तो स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, स्वीटेस्ट शुगर है आपका फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। नेक्स्ट आते क्लोव और स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये ऑब्टेन किया जाता है फ्लावर बड,
ऑप्शन नंबर डी। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पीछे का भाग। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो वो है फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर बी। हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, विच एथलीट स्कोर फर्स्ट पोजिशन इन द लंडन मैराथन हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विच इंडियन क्रिकेटर अलॉन्ग विथ एम एस धोनी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रायना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली? तो ये आपका हो जाएगा परेश रावल, ऑप्शन नंबर डी। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी सतीश रेड्डी। फॉर विच डिसिपल डॉक्टर बुजरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल साइंस। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर हो गया नीतू डेविड। देन महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नाओमी ओसाका। देन 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान रहने वाला एथलीट कौन है? तो वो है इल्यूड किपचॉक। 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वो है सुरेश रायना। देन हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, परेश रावल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। देन किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा विज्ञान। नेक्स्ट आते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व खाद्य संगठन, विश्व खाद्य प्रोग्राम कार्यक्रम। ठीक है, विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020? तो करेक्ट आंसर इज आयुष्मान खुराना। देन हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? तो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। वेन डिड इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया इशू अ प्रेस नोट फॉर द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2020? तो आंसर हो जाएगा आपका 25 सितंबर 2020। इन विच स्टेट घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन लॉन्च ऑन 24 सितंबर 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार पॉलिटिकल लेट रघुवंश पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू विच लोकसभा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11th। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 8। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे आंसर्स में देखिए, उन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और यहाँ पे करियर का शुरुआत तो जनता पार्टी जो है आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, जनता पार्टी होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नहीं, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग में ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो इसका आंसर होगा आपका 25 सितंबर। इक्कीस सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर परियोजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। देन बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 11वीं लोकसभा। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, चीन। हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज पर्सपेक्टिव इन द फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन सेप्टेम्बर 2020? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर ए। वेयर वॉज द 36th आसियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। रिसेंटली इन यूएसए ऑपरेशन मागा इज रिलेटेड टू? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा। विच अरब स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो योगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन नंबर सी। विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विथ इजराइल? तो ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। विच कंट्री एज्यूम्ड द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टिल जून 2021? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च इन सेप्टेम्बर 2020 एम्स टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की पांचवी बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है, मागा जो है किससे संबंधित है? डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहरीन, ऑप्शन नंबर सी। फिर अक्टूबर 2020 से जून 2020 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। सितंबर 2020 के प्रारंभ 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य? तो ऑप्शन नंबर बी, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट हु गेव द मंत्रा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजय राजे सिंधिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ 100 रुपी कॉइन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। विच स्टेट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म चीलूपो हैज वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HDFC,
ऑप्शन नंबर बी, एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। रफाले फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन फॉर्मली इंडक्टेड इन टू द इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंबाला। द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल इज ऑप्शन नंबर डी रुद्रा। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया क्या, 100 रुपए का सिक्का। किस राज्य की लघु वित्त चित्र ची लिपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया, तो HDFC। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले COVID-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी अंबाला। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी रुद्रम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पा सिटी फ्लोर्स और ऑफ प्लास्ट फिल्ट हैव बीन फाउंड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगान। थ्री रत्ना और थ्री ज्वेल्स दैट इज राइट नॉलेज राइट राइट फेथ एंड राइट एक्शन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्का। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी वैशेषिका। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो ऑप्शन नंबर बी बलबन। विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोला। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगान। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो ये हो जाएगा कनिष्क ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बलबन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चोल। पित्रादुरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन, तो ऑप्शन नंबर ए। विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। देन द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज एनफोर्स्ड बाय, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड एट शिकागो इन 1893, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी 1923, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। हु रॉट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मा इज डिस्प्लेड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीन बंधु मित्रा। परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है, परचिनकारी जो है ये दीवारों पे आज कीमती पत्थर जोड़ कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो ये थे स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। देन प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीन बंधु मित्र। द फेमस बैटल ऑफ वांडी वॉशिंग 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम? तो ये हुआ था फ्रेंच, द फ्रेंच इनके अगेंस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया? तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ऑप्शन नंबर डी। कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्ध भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगभूम। हु सुपर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कैपिटल जो हो जाएगा वो होगा राजगीर, ऑप्शन नंबर ई। स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे होगा पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस? तो फर्स्ट था आपका चंपारण। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। निम्न में से किस अधिनियम के में ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ था आपका सिंहभूम। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ई, राजगीर। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? तो जियोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होंगशू। ग्रीनलैंड जो है वो किसका पार्ट है? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन? ठीक है, तो लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन जो है वो किसका है, तो वो आपको बताना है। तो लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन का अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन 2019? तो ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच वन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज है। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोइंग एरिया इज नॉट इन कर्नाटका? तो पुलनी। विच आर द वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर हम बात करें तो वो कौन है, होनशू, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों
की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, पुलनेज। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? वो है आपका महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज अ नॉट फ्लोइंग रिवर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालय रेंज? तो आंसर हो जाएगा आपका ईस्टर्न पीर प्ला, पंजाल। इंडियाज 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो करेक्ट आंसर है आपका सी, महाराष्ट्र। देन बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। भारत का 13th व प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। खनिज एंड झीलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैगन एंड इंजीनियरिंग। पेडोमेंट स्वाम सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है थोड़ा सा इसमें जो है डाउट है आपका ए और डी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ई होने की चांसेस है, तो इसको डाउट वाला क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, ठीक है। 97 को 98, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? तो आंसर हो जाएगा बी, मुंडा जामुई। वॉट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ बिहार स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका 7.76, ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार? तो आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वाम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? तो इसका आंसर अब को छोड़ दो, 97, 98 पे आते हैं। जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? तो आर्टिकल 324। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट? तो आंसर हो जाएगा सी, रेखा शर्मा। वॉट इज मीन बाय रूल ऑफ लॉ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल।
विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243G। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो ये हो जाएगा आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेखा शर्मा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो यहाँ पे है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243G। When was the Citizenship Act passed? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 December 2019। The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which Constitutional Amendment Bill? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 64th Constitutional Amendment Bill। नेक्स्ट आते none of the यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, When which company established its factory in 1632 at Patna, Bihar? तो ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। Which of the following is not the characteristic of decentralization? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज। Which act is not the landmark in the development of the constitution during the British rule? तो करेक्ट आंसर इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई? तो ये हो जाएगा आपका 64 संविधान संशोधन बिल। वर्ष 1632 में बिहार से पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इंप्लाइज दैट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस व्हिच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। Which of the following country is India's top trading partner in 2019-20? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका USA। Which of the following infrastructure sector of India is related with Bharatmala project? तो करेक्ट आंसर is ऑप्शन नंबर सी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। Which of the following agencies released the index of industrial production to measure industrial performance in India? तो करेक्ट आंसर is ISI, Indian Statistical Institute. According to the Ease of Doing Business Report 2020, India improved their rank from 77 in previous year to 63rd position. Next पे आते हैं, to improve institutional agriculture credit flow, what credit target for 2020 to 21 has been fixed in the Union Budget of India? तो answer is 15 lakh crore, option number C. The objective of PM Kusum scheme is to remove farmers' dependence on diesel
एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राजस्व घाटे किससे तात्पर्य है? यहाँ पे का भारत सरकार को अपने अन्य अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए आधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीपत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ISI। व्यय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, विगत वर्ष के 77 से 63 स्थान। भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया? तो ये हो जाएगा 15 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम निर्विक इन द बजट फॉर 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम? तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट सेक्टर। बिहार गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS ऑन 1 अप्रैल 2019। दिस सिस्टम जो है ये क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द कृषि कर्मन अवार्ड टू बिहार स्टेट ऑन 2 जनवरी 2020। दिस अवार्ड वॉज गिवन फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड वीट, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम सतत जीविका कोपार्जन योजना इन अगस्त 2008। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व्स, सात निश्चय कौन सा नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड वेलफेयर। द पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट कॉन्स्टेंट प्राइस फॉर बिहार इज लेस देन द कंट्री इन द ईयर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 35% होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। देन भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है, इसका जो है किस क्षेत्र से को फायदा होगा? निर्यात क्षेत्र। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, यह प्रणाली क्या करेगी? यह प्रणाली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है, योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज डी, बाल कल्याण। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, तो वर्ष 2018-19 में ये कितना था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी स्टडी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Which of the following person had participated actively in the revolt of 1857? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई,
अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्ट ऑफ 1935. हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? तो करेक्ट आंसर इज 24 डेज. हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल. Which movement has started as a reaction to the partition of Bengal? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट. Who among the following advocates had appeared for the INA trials at Delhi 1945-46? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूला भाई देसाई. Where did Madan Kama unfurl India's tricolor flag of freedom? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट. निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामदास कॉलेज भावनगर. इनमें से किसने 1857 में विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ई, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ऑप्शन नंबर सी. प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल. बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन से थे? भूला भाई देसाई. मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीआर दास देशबंधु. Which day was declared as Purna Swaraj Day by the Indian National Congress? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. When was Bihar established? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. In Tinkatia system in Bihar, how much land was to be reserved for indigo cultivation? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/20. Who was the first Chief Minister of Bihar? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह. Then where was the first Congress session in Bihar held? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गया. Which title was given to जयप्रकाश नारायण? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक. निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912. बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 3/20. बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह. बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी गया. जयप्रकाश नारायण ने कौन सी उपाधि दी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक. द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, तो मिसिंग नंबर यहाँ पे जो आपका ड्यूअल सीरीज चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेज पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्लॉक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 155. तो सेम ही है, 147. Which of the following cannot be squared of a natural number? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. इसमें अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ये तो अभी हमने देख ही लिया है, ऑप्शन नंबर बी था। देन अगर आ जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके पे आ जाते तो ऑप्शन नंबर ए, और इस पे आ जाते तो ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल, तो इसीलिए आप जो है इन क्लासेस को जो है अटेंड जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है ये जो बैचेस आपकी स्टार्ट हो रही है इन बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जैसे प्री अगर आपका अच्छा गया तो मेंस भी आप चाहते हो कि बहुत अच्छा जाए, तो बिल्कुल बैचेस को ज्वाइन कीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है जनवरी से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है जो प्राइस आपका है वो आपका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 8800। अब ये भी आपका कम हो सकता है कि अगर आप कोड यूज कर लेते हो SHIPRA, अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस कोड को बिल्कुल यूज कर सकते हो, तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज करते हो SHIPRA। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे मेंस प्लस SI वगैरह सब की बैचेस आपकी चल रही है, साथ ही नेक्स्ट प्री जो आएगा उसके लिए भी क्लासेस जो आपकी चल रही है, तो बिल्कुल आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और डेली आप याद रखिएगा स्पेशल क्लासेस आपकी चलती हैं एंड प्लस क्लास भी आपकी चल रही है, तो आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है।